प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह, प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने के बाद श्रीनगर के लिए हुई रवाना। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण के समापन में लेगी हिस्सा। 30 जनवरी को पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा शहीदी दिवस। स्वतंत्रता संघर्ष में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के सम्मान में रखा जाएगा 2 मिनट का मौन। ऊना भाजपा कार्यालय में भाजपा विधायक सतपाल सत्ती सहित भाजपा पदाधिकारियों ने सुनी मन की बात। सत्ती ने कहा, कार्यक्रम से देश के दूरदराज वाले स्थानों के बारे में प्रधानमंत्री ने दिलाई पहचान। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 7 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा नवंबर 2022 का परिणाम किया घोषित। 10 से 25 दिसंबर 2022 तक हुआ था परीक्षा का आयोजन। धर्मशाला में लगभग 58 सरकारी कार्यालयों में स्थापित किए जा रहे हैं चार्जिंग स्टेशन। 8 से 10 घंटों में इलेक्ट्रिक वाहन होंगे चार्ज। सिरमौर जिला के गिरिपार इलाके में माघ महीने में देवीय जागरण की परंपरा कायम। सदियों से चली आ रही है ये परंपरा। करीब 1.5 महीने तक भ्रमण पर रहती है देवपाल की। सुख समृद्धि की होती है कामना। चंबा जिला के तीसा सलूनी पांगी के ऊंचाई वाले इलाके में 3 दिन पहले हुई बर्फबारी से लोग परेशान। 50 से अधिक ट्रांसफार्मर बंद। आज और कल मौसम विभाग ने प्रदेश में किया बर्फबारी, ओलावृष्टि और भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी।